मैं विजय थापा बैंगलोर से फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए और आज दो बाइकों का अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ आपके लिए दोस्तों। दोस्तों आज बैंगलोर में मौसम खराब है, जहाँ पे मैं हूँ पूरा बारिश हो रहा है, तो इसलिए मैं आउटडोर शूटिंग नहीं कर पाया, तो इसीलिए मैं इनडोर शूटिंग कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये दो नए बाइक आए हैं मेरे पास, इसका अनबॉक्सिंग मैं जरूर करने वाला हूँ आपके सामने लाइव। दोस्तों और एक बार कहना चाहता हूँ कि हर वीडियो में मैं पहले बाइक का अनबॉक्सिंग करता हूँ और उसके बाद मैं आपको कंपनी के बारे में बताता हूँ। तो आज थोड़ा उल्टा करना चाहता हूँ, मैं कंपनी के बारे में बताना चाहता हूँ, आपको थोड़ा जानकारी देना चाहता हूँ, उसके बाद अनबॉक्सिंग करना चाहता हूँ। दोस्तों ये जो दो बाइक मेरे पास है एक कंपनी के है जिसका नाम है विवान स्पोर्ट्स, ये मेरठ में है और बहुत सालों से है मेरठ में। दोस्तों अगर आप इसके बारे में गूगल करोगे या सर्च करोगे उतना इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि इतने सालों तक ये सिर्फ अपना होलसेल बिजनेस कर रहे थे। मतलब आप इंडिया का होलसेल वेबसाइट इंडी मार्ट में जाके देखोगे तो इनका डिटेल जरूर मिलेगा। और इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बेचा है, इंडिया के दो जाने माने वेबसाइट्स पे बेचा है। ओके अभी इन्होंने मार्केट को देखा परखा और जानने के बाद अभी इन लोगों ने एक नतीजे पे पहुंचे, मैन्युफैक्चर होने के नाते ये क्यों ना डायरेक्टली एंड कस्टमर क्रिकेटर्स हमारे जैसे क्रिकेटर्स को अपना प्रोडक्ट डायरेक्टली दे। मतलब इनका मानना है कि ये कम सस्ते रेट में अच्छा प्रोडक्ट कस्टमर को दे, ये इनका दावा है और ये करना चाहते हैं। तो ये इनका दावा है। और दोस्तों इस कंपनी का नाम है विवान स्पोर्ट्स और इनका प्रोडक्ट चलता है G8 के हिसाब से या गिलबर्ट GILBERT गिलबर्ट के नाम से जाना जाता है। सो दोस्तों अब ज्यादा देरी नहीं करते आपके सामने मैं इस वीडियो को इस पैच को अनबॉक्सिंग करता हूं। दोस्तों ये पूरा सॉलिड वाला पैकिंग करके भेजा इन लोगों ने, देख लीजिए दोस्तों ऊपर से नीचे तक अच्छा रैपिंग किया हुआ है। फिर भी इतना अच्छा रैपिंग करने के बाद भी कभी एक बार ये हो जाता है जब डिलीवरी होता है थोड़ा बहुत डेंट वेंट हो जाता है। तो चलिए दोस्तों इसको काटते हैं, जरूर सेफ्टी टूल्स यूज कीजिएगा अपना बैग अनबॉक्सिंग करते वक्त। नहीं तो हाथ कटने का चांस ज्यादा होता है। लगता है हो गया हमारा अनबॉक्सिंग। जी हाँ दोस्तों ये दो बैग्स हैं, अगर कैमरा में आप सामने आओगे देखोगे तो ये इनका हो गया इनका स्कूप बैग जो आजकल मार्केट में बहुत चल रहा है। इसको मैं साइड में रखता हूँ, दूसरा वाला बैग निकालता हूँ कौन सा बैग है करके दिखाने के लिए। दोस्तों ये रहा विमान स्पोर्ट्स का ब्लैक मांबा जो गिलबर्ट स्पोर्ट ब्लैक मांबा के नाम से भी जाना जाता है। शायद मार्केट में आपको पता होगा कि ये दो मॉडल्स बहुत अच्छी तरह से चल रहे हैं और शायद इसी की वजह से इन्होंने ये दो मॉडल्स बनाए हुए हैं। तो दोस्तों मैं एक एक करके दोनों बैटों का रिव्यू करूंगा और आपको बताऊंगा कि बैट कैसे है। मैं इसको कवर से निकाल रहा हूँ। देख दोस्तों फर्स्ट इंप्रेशन देखने में तो बढ़िया लग रहा है मेरे को, अगर कैमरा के सामने देखोगे तो ये इसका फ्रंट प्रोफाइल रहेगा, पूरा इसके ऊपर एक कोटिंग है और आप देखोगे तो ये अच्छा लग रहा है मेरे को। इसका ये साइड प्रोफाइल है देख लीजिए दोस्तों ये इसका बैक प्रोफाइल है। बैक प्रोफाइल में ये वाला लोगो जरूर देखना, G8 गिलबर्ट GILBERT इनका गिलबर्ट के नाम से जाना जाता है और ये इनका ब्लैक मांबा है, इनके गिलबर्ट का ब्लैक मांबा है। और दोस्तों ये देखिए और थोड़ा सा जैसे मैंने बताया था यहाँ पे देखिए डेंट हो गया है यहाँ पे, अगर आप उसको गौर से देखोगे डेंट हो गया है। ये मैन्युफैक्चर का प्रॉब्लम नहीं है, वो ठीक से बना के बेचते हैं और डिलीवरी में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। देखिए दोस्तों इन्होंने बॉटम में इनका कोटिंग लगा हुआ है ताकि ये लंबे टाइम तक चल सके। दोस्तों ये रहा इसका बॉटम दोस्तों और ये देखिए इसका कर्व, आपको कर्व से पता चल ही जाएगा कितना कर्व है करके। और दोस्तों ये रहा इसका थ्री पीस सिंगापुरी केन हैंडल। और दोस्तों मैं इसके आसपास दिखाना चाहता हूं, यहाँ पे देखिए कोई भी गैप्स नहीं है, मतलब कारीगर ने बहुत अच्छा काम किया है, ये पूरा अच्छा काम किया हुआ है। दोस्तों ये रहा इसका इनिशियल लुक, पहला लुक बोलते हैं जो ब्रांडेड पैकेट से निकालने के बाद कैसा लुक होता है वो लुक है।
मुझे तो ये बहुत हल्का लग रहा है, जो इतना भारी भी नहीं है। एक जरूर प्रोडक्ट ऐसा होता था कि यह कंप्लेन होता था कि बैट्समैन को बैट थोड़े भारी है, हम खेल नहीं पाते करके, लेकिन ये वाला मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। देखने में एकदम फर्स्ट क्लास लग रहा है, बहुत हल्का सा है। अगर मैं स्क्वायर कट मारना चाहता हूँ या मिड विकेट पे खेलना चाहता हूँ, बहुत अच्छी तरह से खेल सकता हूँ। ये एक प्रॉब्लम होता था मार्केट में, जो भी कर्व बैट से उसमें से बोलते थे कि भैया अगर कोई हैवी बॉल से जरा मिड विकेट के बॉल को डालेगा, हम खेल नहीं सकते, बैट घुमा नहीं सकते क्योंकि बैट का वजन ज्यादा है, या फिर ऑफ साइड स्क्वायर कट मारना हो वो भी नहीं होता था करके। लेकिन इस वाले बैट में से ये प्रॉब्लम कोई नहीं है। तो देखिए दोस्तों, मैं आराम से खेल सकता हूँ। जैसे मैं हमेशा अपने वीडियो में बताता हूँ कि मुझे लंबे बैट पसंद है, 35 या 36 इंच के बैट पसंद है, और ये जरूर उसको पूर्ति करता है। दोस्तों ये हो गया इनिशियल व्यू ऑफ दिस। मैं आपको इसका वेट और हाइट और टैगिंग दिखाना चाहता हूँ, जो मैं हर वीडियो में दिखाता हूँ। जनरली मुझे ये लग रहा है, हाथ में पकड़ने के बाद ये लग रहा है कि उतना भी भारी नहीं है, तो अपना रेंज के लिए इसका सच बताएगा क्या है करके। दोस्तों ये देखिए 1053 है, और जनरली अगर आप इस ग्रिप को देखोगे, प्रीमियम वाला ग्रिप है, और ग्रिप का वजन ही 30 ग्राम से 50 ग्राम तक होता है। अगर इसको निकालोगे तो 1 किलो का बैट है और 50 ग्राम ऑलमोस्ट ग्रिप का आ जाता है। दोस्तों ये है हार्ड टेनिस के लिए, मतलब 120 से 130 ग्राम वाले बॉल से भी खेल सकते हो, बहुत हल्का लगेगा, लाइट लगेगा आपको हाथ में, और बहुत अच्छा मजबूत की पकड़ है। और दोस्तों आपको मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, मैं हमेशा तीन बॉल रखता हूँ, एक है विकी क्रिकेट जो होता है ऑलमोस्ट 80 to 90 ग्राम। आपको दूसरा बॉल दिखाता हूँ, रेड विकी हमें साउथ इंडिया बैंगलोर में ज्यादा खेला जाता है, विच इज 120 to 130 ग्राम के अंदर। और दोस्तों हमेशा लेदर बॉल भी साथ में रखता हूँ ताकि आपको पता चले कि कितना ग्राम का है। ये लेदर बॉल 150 टू 160 ग्राम में होता है। दोस्तों मैं पहले 80 से 90 ग्राम के बॉल से टैच करके दिखाऊंगा आपको, ताकि पता चले कि आपको ये कैसा है करके। दोस्तों कुछ मेहनत नहीं कर रहा मैं, सिर्फ बैट पकड़ के जहां पे बॉल पिच हो गई वहां पे बैट रख रहा हूं, तो ये देखिए दोस्तों आराम से जा रहा है। ये रहा 80 to 90 ग्राम वाला बॉल दोस्तों, और ये रहा हमारा 120 to 130 ग्राम वाला बॉल, आप देख लीजिए। दोस्तों लगता है कि मेरे सीलिंग में लग जाएगी, बहुत सॉलिड वाला पंच है और सॉलिड सा जा रहा है। दोस्तों ये लेदर बॉल है, मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं, विवान स्पोर्ट्स इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगी, ये टेनिस बॉल का बैट है। मैं सिर्फ टैपिंग पर्पस के लिए इसको यूज करता हूं ताकि आपको दिखा सकूं कि ये कितना पावर और पंच है इसमें, क्योंकि जनरली जब ये रेडी टू प्ले बैट आउट ऑफ द बॉक्स होता है, इसको अच्छी तरह से प्रेस करके भेजा जाता है, लेकिन लेदर बॉल का जो बनाने का प्रोसेस होता है वो बिल्कुल अलग होता है, और टेनिस बॉल का बनाने का प्रोसेस जो बिल्कुल अलग होता है। तो वी कैन नॉट कंपेयर द सेम, मैं सिर्फ अपने रिस्क पे आपको टैपिंग करके दिखाता हूं, कोई भी स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आपको ये गारंटी नहीं देती। दोस्तों देख लीजिए सॉलिड सा पंच है, सॉलिड सा कटिंग है, ये देखिए थोड़ा बहुत निशान आए हुए हैं थ्रेड के, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ, बैट पे वाइब्रेशन कुछ नहीं था, एकदम फर्स्ट क्लास बैट है जहां तक मुझे पता है, आउट ऑफ द बॉक्स दिस इज वेरी गुड, और हाथ में भी बिल्कुल सॉलिड और कॉन्फिडेंस से पकड़ने को मिलता है। दोस्तों ये रहा इसका वेट और टैपिंग मैंने करके दिखा दिया, आपको मैं इसका हाइट दिखाना चाहता हूं ताकि आपको पता चले कि इसका हाइट क्या है करके। जनरली आजकल टेनिस बैट के जो भी मार्केट में बैट्स आ रहे हैं दोस्तों, वो ऑलमोस्ट 35 to 36 इंचेस के होते हैं। ये शायद को डिफरेंट ना हो, देखिए दोस्तों बॉटम से ये 35 इंचेस है, अगर हम देखें इसका 24.5 ऑलमोस्ट 25 तक इसका ब्लेड है, उसके ऊपर का हिस्सा जो भी है 10 इंचेस या 10.5 इंचेस इसका हैंडल है।
और दोस्तों उसके बाद मैं आपको इस बैट का विड्थ दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए विड्थ हमेशा 4.5 है जो स्टैंडर्ड हो चुका है आजकल के टेनिस बैट में। इसका बॉटम देखिए दोस्तों, ऑलमोस्ट 175 तक है, मतलब 2 2 इंच के आसपास है जो सॉलिड है दोस्तों। अच्छा बैट है, मुझे फर्स्ट फर्स्ट इंप्रेशन लुक जो है वो बहुत बढ़िया लगा। जरूर अच्छा है, खेलने के बाद इसका एक्चुअल वैल्यू पता चलेगा कि बैट कैसा है, प्रोडक्ट कैसा है करके। बट फर्स्ट ओपिनियन, इनिशियल ओपिनियन जो मैंने पैकेजिंग से बाहर निकाला, एकदम अच्छा है। और इसका बैलेंस भी है दोस्तों, ऐसा नहीं कि बैलेंस नहीं है, ये कर्व बैट है, इसका बैलेंस है दोस्तों, इतना बैलेंस तो है। तो दोस्तों ये विवान स्पोर्ट्स से ब्लैक मामा जो निकला है गिल्बर्ट ब्रांड पे, ये पहला रिव्यू हो गया। उनके दूसरे बैट का रिव्यू करना चाहता हूं मैं, और जो उन्होंने मुझे भेजा है इसको पैकेट से निकाल रहा हूं मैं अभी फिलहाल, मैं इसको साइड में रखना चाहता हूं दोस्तों। इतना हल्का और इतना कंफर्टेबल मैं किसी बैट को पकड़ने में नहीं हुआ। इनका जो हैंडल है बहुत बड़ा भी नहीं है, पतला भी नहीं है, इजी टू हैंडल है। देखो मेरे पूरे उंगली कवर हो जाता है हाथ में, तो ये हमें कॉन्फिडेंस देता है। किसी बैट में क्या होता है, इतना हैंडल मोटा हो जाता है, हमको ऐसा पकड़ना पड़ता है। लेकिन ये वाले बैट में जो इन्होंने, इनका स्कूप बैट है, एकदम सॉलिड सी पकड़ है हाथ में दोस्तों। ये हो गया, और देखिए इसका फ्रंट प्रोफाइल, ये रहा इसका फ्रंट प्रोफाइल, G8 के नाम से जाना जाता है। इसका साइड प्रोफाइल देख लीजिए ये, और इसका लोगो है गिलबर्ट यहाँ पे जो है देख लीजिए दोस्तों। और ये रहा इसका बैक वाला स्कूप प्रोफाइल, और ये रहा इसका और एक साइड प्रोफाइल दोस्तों। ये देख लीजिएगा, G8 या G8 रॉयल से जाने जाते हैं, विवान स्पोर्ट्स का ये खुद का ब्रांड है। और दोस्तों ये देखिए इनका 3 पीस सिंगापुरी केन हैंडल। जनरली आपको एक चीज बताना चाहता हूं, अगर आपको टेस्ट करना है कि सिंगापुरी केन हैंडल है कि नहीं, अगर आप ऐसे करके यहाँ पे प्रेशर डालोगे, यहाँ पे वाइब्रेट होना चाहिए या थोड़ा हिलना चाहिए, सस्पेंशन होना चाहिए, जैसे मोटर बाइक के सस्पेंशन होते हैं, शॉक अब्जॉर्ब जो होते हैं, ऐसे हिलता है यहाँ पे, जो ये हो रहा है देखिए दोस्तों। ये इनका स्कूप वाला बैट है, अगेन हाथ में लेते ही इसका फील बहुत काफी बढ़िया फील है, लगता है कि शॉट्स बहुत अच्छे जाएंगे, वैसा वैसा वाला फील है। सो दोस्तों ये है, ये जब भी बैट बनाते हैं ये सब कश्मीर में लोग से बनाते हैं, आप इसका साउंड देख सकते हो, हार्ड प्रेस वुड है, कश्मीर बिलो है। और दोस्तों इसका वेट दिखा देते हैं आपको, ताकि आपको पता चले कि अगर आप हार्ड बॉल से खेल सकते हो या नहीं खेल सकते हो। दोस्तों देखिए ये 1052, 1 किलो 50 ग्राम के आसपास है, मतलब अगेन इस बैट में भी यही है कि इन्होंने प्रीमियम ग्रिप दिया हुआ है। अगर ग्रिप देखिए आप, इसका प्रीमियम ग्रिप है, तो ग्रिप ही 30 से 50 ग्राम तक आ जाता है, तो मतलब 1 किलो के आसपास है दोस्तों ये बैट और 1 किलो के आसपास होने के बावजूद आप 120 या 130 ग्राम से खेल सकते हो, वो वाला दावा करते हैं। और आउट ऑफ द बॉक्स द प्रोडक्ट लुक्स फैंटास्टिक, बहुत अच्छा लग रहा है प्रोडक्ट। दोस्तों मैं ऑलरेडी बॉल के वेट्स आपको मेजर कर चुका था, अभी टैपिंग के लिए दिखा रहा हूं। ये 80 से 90 ग्राम वाला बॉल है, देख लीजिए दोस्तों, वो तो गया दोस्तों, लेकिन फिर से आपको टैपिंग दिखा देता हूं। ये देखिए दोस्तों, टैपिंग वेरी गुड, 80 टू 90 ग्राम तो एकदम बिल्कुल मक्खन की तरह जा रहा है, कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। देखिए दोस्तों ये मेरा रेगवे की बॉल है जो 120 से 130 ग्राम का है, इसे देखिए तो मुझे ऐसा लगता है कि उड़नछू हो रहा है बॉल, अगर कहीं पे भी आप टैप करो एकदम फर्स्ट क्लास में जा रहा है, सॉलिड कॉन्फिडेंस आता है इसको हाथ में लेते हुए। अगेन गाइस, टैपिंग विद अ लेदर बॉल, यूज कॉशन, विवान स्पोर्ट्स विल नेवर बी रिस्पॉन्सिबल, नॉर कोई भी स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टेनिस बैट पे
लेदर बॉल खेलेगी तो उससे गारंटी या जिम्मेदारी नहीं लेगी। दोस्तों ये रहा इसका टैपिंग। टैपिंग करने के बाद देख लीजिए दोस्तों इसका ब्लेड कैसा है, फिर से फ्रंट फ्रंट प्रोफाइल देख लीजिए। दोस्तों याद रखना गिलबर्ट इनका नाम है, गिलबर्ट के ब्रांड से जाना जाता है या फिर G8 के नाम से जाना जाता है, और ये दोनों बैट लाया है विवान स्पोर्ट से। सॉलिड है दोस्तों, हाथों में वेट नहीं लगता, बहुत कम वेट लगता है। अगर इससे मारूंगा तो लगता है कि कॉन्फिडेंस से छक्के मार सकते हो, कॉन्फिडेंस से आप ऑफ ड्राइव खेल सकते हो। बहुत अच्छा लग रहा है फिर हाथ में बिकॉज ऑफ द हैंडल। और दोस्तों आपको मैं इसका हाइट दिखाना चाहता हूं और विड्थ दिखाना चाहता हूं ताकि आपको पता चले कि इसका हाइट और विड्थ क्या है। दोस्तों आजकल टेनिस में ये नॉर्मल स्टैंडर्ड हो गया है कि 35 इंचेस और 36 इंचेस के बैट्स आते हैं। ये भी उसी तरह है, ये 35 इंचेस का है। और यहाँ पे आप इसका ब्लेड देखो 24.5 है और 10 और 10.5 इंच के बीच इसका हैंडल है। और दोस्तों इसका विड्थ दिखा देते हैं, अगेन 4.5 इंचेस है, अगेन जो टेनिस में स्टैंडर्ड हो गए हैं। इसका साइड प्रोफाइल दिखाते हैं दोस्तों, ये 50 mm से ज्यादा है, मतलब 2 इंचेस से ज्यादा है, मतलब ये ट्रिपल ब्लेड के आसपास आ जाता है। 40 इंचेस के अंदर, अगर 40 mm के अंदर आया तो वो सिंगल ब्लेड है। एनीथिंग बिटवीन 40 से 50 के अंदर का होता है डबल ब्लेड, ये डबल ब्लेड के आसपास आता है दोस्तों करीबन। दोस्तों ये सॉलिड है, मुझे तो बहुत कॉन्फिडेंस आता है इसको हैंडल हाथ में पकड़ते हुए, इतना कॉन्फिडेंस कि नो मैं भी इसका हैंडल पतला हो और ग्रिप लगाने के बाद इतना सॉलिड हो कि हाथ में पूरा भर जाता है। आई फील वेरी कॉन्फिडेंट होल्डिंग दिस बैट, बहुत कॉन्फिडेंस आता है। ये है एकदम फर्स्ट क्लास बैट दोस्तों। दोस्तों जैसे मैंने बताया ये दो बैट्स है जो विवान स्पोर्ट्स का गिल्बर्ट ब्रांड का ब्लैक मांबा और उनके GRA का ब्रांड का स्कूप बैट। दोस्तों ये जो मैन्युफैक्चर बहुत साल से है मार्केट में, कभी रिटेल नहीं किया, लेकिन आजकल जब इनका मानना है कि हम लोग मैन्युफैक्चरर्स ओके इंडिया में इतने क्रिकेट खेलने वाले हैं जिसके पास पैसे नहीं होते, एवरेज इंडियंस होते हैं, मतलब इवन एक बैट खरीदने के लिए एक टीम वाले पूरा पैसा जोड़ के बैट्स खरीदते हैं। सो इनका मोटो, इनका आइडिया और इनका मानना है कि ये लोग सस्ते दाम पे अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट्स यू नो लोगों तक पहुंचा सके, खिलाड़ियों तक पहुंचा सके, राइट। दोस्तों ये रिटेल भी करते हैं, होलसेल भी करते हैं। मैंने इनका नंबर अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, अगर आपको कोई जरूरत हो उस नंबर पे आप फोन कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए और जरूर उनसे बात कीजिए, राइट। आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, वो बिल्कुल आंसर करेंगे। पैन इंडिया इनका डिलीवरी है और दोस्तों COD नहीं है शायद, आप जरूर बात कर लेना। दोनों अच्छे बल्ले हैं, मैं बुरा नहीं बोलूंगा, और देखने में भी एकदम फर्स्ट क्लास है। दोस्तों बात सीधी है, आप चाहे कोई नई चीज खरीदो, गाड़ी हो या कपड़े हो या कोई भी चीज खरीदो, जब नया होता है बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास होता है, आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब नए कपड़े न्यू शोरूम से खरीद के लाओ, घर पर निकालो पहले उसमें अच्छे दिखते हैं, राइट। आपकी नई गाड़ी हो शोरूम से बाहर लेके आओ और दोस्तों के सामने जाओ, बहुत अच्छी दिखती है। इन बैट्स का एक्चुअल परफॉर्मेंस तभी पता चलेगा जब हम इसको फील्ड में लेके खेलते हैं। खेलने के बाद आप अगर मेरे चैनल को देख रहे हो या फॉलो कर रहे हो, आपको पता चलेगा कि मैं हमेशा दो दो वीडियो डालता हूँ एक बैट्स के, मतलब एक तो पहला अनबॉक्सिंग और रिव्यू वाला वीडियो हो गया और दूसरा वीडियो होता है जब मैं खेलता हूँ, खुद खेलता हूँ, मैं खुद एक प्लेयर हूँ, मैं खुद खेलता हूँ फील्ड में जाके। और एक हफ्ता नहीं खेलते हैं, दो हफ्ते हैं, पूरा एक महीना देता हूँ, चार हफ्ते देता हूँ एक बैट से खेलने के लिए, उसके बाद और एक वीडियो बनाता हूँ जिसका रिव्यू वीडियो होता है, एक महीने के बाद कैसा हुआ, परफॉर्मेंस कैसा है और बैट की स्टेबिलिटी क्या है करके आप लोगों तक इन्होंने पहुंचाने तक। सो दोस्तों ये मेरा रिव्यू होता है। अगर आपने भी ऐसे कोई नया ब्रांड से बैट खरीदा हो और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा हो, जरूर आप मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और यू नो बोलिएगा कि इस वीडियो के बारे में या इस बैट के बारे में आपको क्या लगता है।
दोस्तों जाने से पहले मैं आप सबको फिर से थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आपने मुझे इतना प्यार इतना सपोर्ट दिया ताकि कोई नहीं दे सकता। 3 महीने हुए मेरे इस चैनल को स्टार्ट हुए दोस्तों, 1 लाख से ज्यादा व्यूज मिले हैं मुझे इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, जिसके लिए मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ और थैंक यू बोलता हूँ। और दोस्तों फिर से कोविड महामारी है, कम हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरा कम हो गया है। थर्ड वेव शुरू होने वाला है। यू नो, आपसे दरख्वास्त है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जरूर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए और यू नो हाइजीन मेंटेन कीजिए, हाथ साफ से धोइए, टेक केयर ऑफ योर लव्ड वंस गाइस। सो दोस्तों ये बोलते हुए मैं अपने वीडियो को खत्म करता हूँ। आप यू नो क्या सोचते हो यू नो इसके बारे में, जरूर अपने कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।